गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं कुकिंग विद रुबीना खान। आज हम आपके लिए आसान रेसिपी लेकर आए हैं। मुर्गी शोरबे वाली बनाएंगे हांडी, और इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो चिकन, दो अदद टमाटर और दो अदद प्याज, लहसुन अदरक एक खाने का चम्मच, और हरी धनिया और हरी मिर्च। और इसके साथ ही हमें मसाला चाहिए, एक चम्मच सुरख मिर्च, और इसमें एक टेबलस्पून ही हमने नमक का लिया है, और आधा हल्दी, आधा चम्मच हल्दी, और गरम मसाला पिसा हुआ आधी चम्मच, आधी चम्मच है सूखे धनिया की पिसी हुई, और आधी चम्मच काली मिर्च। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। और ऑयल इसमें हम लेंगे आधा कप, आधा कप ऑयल लेंगे, ये आधा कप ऑयल हमने डाल लिया इसमें। साथ ही हम इसको सब चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाएंगे। ये हमने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। धनिया हरी मिर्च हम बाद में डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। ये देखिए हांडी हमारी 2 से 3 मिनट हमने इसे भून लिया है। और जो घर से बाहर भाई रहते हैं, कहीं विजिट पर जाते हैं या किसी कारोबार के सिलसिले में, तो उनके लिए ये हांडी बनाने का तरीका नहायत आसान है। वो इसे देखकर बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब घर से बाहर हो तो खाने की बड़ी प्रॉब्लम होती है। जबकि अगर बाज़ार भी दूर हो तो जिस जगह पर हमने स्टे किया हो, हम वहीं पर ये चीज़ें मंगा कर खुद ही तैयार कर सकते हैं बासानी से। ये चिकन हमारा अच्छी तरह से भुना गया है, ये आप देखें ऐसा कलर हो गया। अब हम इसे पानी डालेंगे इसमें और इसको स्टीम देंगे। आप दोई की मदद से टमाटर को पीस सकते हैं ऐसे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। हमने इसमें 2 ग्लास पानी के लेने, ये हमारे पास बड़े वाले गिलास हैं, 2 गिलास हम इसमें पानी डालेंगे। आप इसमें 3 गिलास डाल लें अगर शीशे का गिलास है तो। अब हम इसे बंद करेंगे, स्टीम देंगे। यह हमने 3 गिलास इसमें पानी डाला है, और अब हम इसे स्टीम के लिए रखते हैं। हमने इसे 4 से 5 मिनट बंद करना है। हमने इसे 5 मिनट स्टीम दी है। अब हम इसको खोलने की कोशिश करते हैं, इसकी हवा को निकालते हैं अच्छी तरह से। ये हमने इसकी हवा सारी निकाल ली है। हमारा मज़ेदार शोरबे वाला चिकन तैयार है।
ये हमारी शोरबे वाली मुर्गी की हांडी तैयार है। अब हम इसके ऊपर धनिया हरी मिर्च डालेंगे। उससे पहले हम इसे लौंगे में निकालते हैं। ये हमारा मज़ेदार मुर्गी का शोरबे वाली हांडी तैयार है और अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे जो हमने पहले से अलग रखा था। धनिया हरी मिर्च, ये हमारा खाना तैयार है। अब हम ये इसे पेश करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और आप इसे ट्राई करें, शेयर करें और देखते रहें कुकिंग विद रुबीना खान। गॉड ब्लेस यू ऑल।